मुझे सलमान को बताना है कि यहाँ किसका रिश्ता किससे क्या है। इस तरह तो काम बिगड़ सकता है उरूज। जितना बिगड़ चुका है इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा। अम्मी मुझे अम्मी को सलमान को उनके मुखालिफों से और इस घर के लालची लोगों से बचाना है उन्हें। मुखालिफों? कौन लोग मुखालिफ है बेटा? ताया और ताईजान। ताया और ताईजान? अच्छा उरूज बेटा सुनो, अब तो तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है, इसलिए कह रही हूँ एहतियात करो, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। देखिए अम्मी, एक तो मुझसे अब अपनी माँ की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, और दूसरा इस घर के लोगों को मुझे इतना टाइम नहीं देना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। मसाई, उरूज ने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है। उसके मुश्किल तरीन दिनों में तुम उसके हमदर्द रही हो। छोटी बीबी साहिबा खुद बहुत अच्छी हैं जी। इस सेहत के साथ उरूज सीढ़ियों से नीचे क्यों आई, उतरी ही क्यों? क्या तुम उस वक्त मौजूद नहीं थी वहां पे? अब आपको क्या बताऊं जी, छोटी बीबी साहिबा आपको सारा वाकया बता चुकी हूं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वसाई के उनके इस रवैये की आखिर वजह क्या है। पहले मेरी जान लेने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरी बच्ची की जिंदगी से खेलने की कोशिश की, आखिर क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? ये जो दौलत का चक्कर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है, सब कुछ करवा देता है। मकसद ये कि ये घर जायदाद ये सारा कारोबार ये सब बड़े साहब का था, और आपके पैदा होने पे बड़े साहब ने सब कुछ आपके नाम कर दिया था। ये
ये क्या कह रही हैं आप वसाई? मैं ठीक कह रही हूँ छोटी बीबी साहिबा। ये सब कुछ आपका है, आप है इसकी मालकन। अम्मी कहती हैं कि अगर एहतियात ना की तो गलती हो जाएगी। अगर जितना कुछ बिगड़ चुका है इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? अगर मुझे मेरी माँ मिल जाए तो फिर किसी नुकसान की क्या परवाह है? मैं तो अपनी माँ के गले लग गई, मगर अभी माँ ने अपनी बेटी को गले लगाना है। मुझे गले लगाना है अपनी अरूज को। इतरिये साहब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? आप तो वकील के पास गए थे ना, क्या बताया उसने, क्या कहा? सब बेड़ा गरक कर दिया, सब उलट पुलट हो गया। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? वकार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अरीज के नाम कर दिया था। हाँ ये तो हम सब जानते। वकार मर गया, अरीज गुम हो गई, तो कानूनी इख्तियार मेरे पास आ गया था, इसलिए मैंने सारे इख्तियार सलमान को दे दिए थे। इद्रीस ये सब तो हमें मालूम है, अभी क्या हुआ है ये बताएं। अब वो सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की असल हकदार आ गई है, वो अपना हक हमसे लेगी। ऐसे कैसे ले लेगी? नहीं देंगे तो कानूनी तौर पे ले लेगी, उसका केस मजबूत है, वो वकार की बेटी है। क्या मुसीबत है, अब क्या करेंगे? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। क्या हुआ ताईजान? मसाई से मैंने कहा था कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, तो मुंह पे इंकार कर दिया, कहने लगी कि अरीज को देख रही हूं मैं। मैंने ही वसाई से कहा था कि वो अरीश के पास रहे। घर में किस बात की निगरानी की जा रही है? दो मिनट के लिए छोड़ नहीं सकती थी वो? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? कभी कभार हम बाहर से ज्यादा घर में गैर महफूज हो जाते हैं। तो नजर तो रखनी पड़ती है ना।